एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड वैष्णवी। शौनी रुक जाओ, एक तो यार ये ना बहुत परेशान करते हैं। देख लो, इसको ना ये रहा कि पता नहीं इसके हाथ में क्या लग गया, इसको ऐसे खरोसती रहती है। इसको जो है लगा हुआ ये प्लास्टर, असर कुछ होता नहीं है इसके ऊपर। तो भाई आज है देव उठनी ग्यास, और देव उठनी ग्यास की सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आज हमारे देव उठ चुके हैं, शादी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो हमारी जो रियल वाली एनिवर्सरी है मनीकर मेरी आज ही है, क्योंकि देव उठनी ग्यास पे ही हमारी शादी हुई थी अगर तिथि के हिसाब से देखें। लेकिन अगर डेट के हिसाब से देखें तो 19 नवंबर को, आज 14 है, 5 दिन बाद है। और मैं कोई बात नहीं, तो आज मैं आप लोगों को अपने दोनों लल्ला से मिला देती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हमेशा लगता है लेकिन आज और भी ज़्यादा लग रहे हैं। ये देखा, ओहो दिख नहीं रहे हैं, देखो लड्डू और माधव। ये तुलसी जी दी है हमने इनके पास, सुंदर सुंदर बाबू बने हुए बिल्कुल। और मम्मी आई है, मम्मी स्टार्टिंग के 3-4 दिन मनी ने थोड़ा काम करा और अब मम्मी कर रही है, क्योंकि मनी अपने काम में बिजी हैं, जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा मनी के ब्लॉग्स में। तो मैं सोचा कि आज मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मम्मी किचन में इनके लिए भोग बना रही है, मम्मी बना रही है जवे। वैसे इनको दूध, किशमिश, काजू वगैरह वगैरह सबका भोग लगा दिया था, लेकिन अभी खाने के लिए इनके जवे बन रहे हैं, क्योंकि जो बन रहा बस बन रहा है। फिर कुछ देखती हूँ मम्मी को बोल के हलवा बना दे, तो हलवे का भोग लगाएंगे इनको, क्योंकि भाई आज तो इन्हीं का दिन है। और आज खाटू श्याम जी का बर्थडे भी है, और आज क्या है, आज तुलसी विवाह भी है। मैंने पूरा प्लान किया हुआ था कि तुलसी जी का विवाह कराएंगे शालिग्राम जी के साथ, लेकिन सब कुछ पॉपआउट हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से। मम्मी को वहाँ भी देखना है, मनी और की यहाँ पे देव उठनी गैस में ऐसा कुछ नहीं होता, पूजने वगैरह करे, खिचड़ी सिंगाड़े शकरकंदे से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे घर में सब कुछ होता है। ऐसे माता बनाई जाती है, ऐसे दीवार पे गेरू से और सिंगाड़े कालदल की खिचड़ी और शकरकंदी से पूजती है, वो गीत वीत होते हैं, तो मम्मी को वो सब भी करना है जाके। तो वहाँ का ज़्यादा काम है, यहाँ तो घर घर का ही काम है। अरोड़ा क्यों लोग मेरी वीडियो में भी आए कर दो, चिल्ले का कहाँ सा है, हाँ हाँ माइक है उसके अंदर, कमरे की हालत देख लो, कपड़े 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 मालाएं, और ये मन नहीं है भी कपड़े। भूख लग दी पिए, पानी भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। शकरकंदी आ गई थी, शकरकंदी दे दी, और ये जावे तुलसी दल के साथ खाओ लड्डू माधव खाओ। आप क्या बोलूं, इसमें आटा चीनी डाल दे, यहाँ चिटियां हो रही, हम चिट्ठी कहाँ ढूंढूं, ये रही मैं दे रही ना चिट्ठी, चल रही है, चल रही है जी वहाँ, तो वो तो बंद है भाई, जोगी इसको बांध रखा है, ये शैतानी कर कर के ना दिमाग खराब कर देगी, जोगी शैतानी कर कर के, है ना। कहाँ फैल गया, हेलो बोलो पहले, हेलो, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये खा लो आप शकरकंद की चाट 25 मिनट के लिए। ज्यादा मिर्च मत डालियो, उसमें ज्यादा थी, मुझे मन चखे ही नहीं, मनी नहीं खाया बस। चली गई घर पे, अभी गई है बस 2 मिनट पहले, और अब टाइम हो चुका है 5 बज गए। हम जाके मम्मी वहां का काम करेंगी, मम्मी कितना कुछ सोचती है ना। अब पता क्या दिक्कत है, जो हमारी मेड है ना वो भी नहीं आ रही है झाड़ू पोछे के लिए, क्यों, क्योंकि उसको डेंगू हो गया, 1 वीक हो गया उसको भी, वो भी नहीं आ रही, तो सारा का सारा बर्डन मम्मी के ऊपर आ गया। और जो मम्मी के वहाँ लगी हुई थी पहले, वो छठ पूजा के चक्कर में गांव में गई थी, वो अब तक वहाँ से नहीं आई है। और आप लोग समझ सकते हो, मैं ऐसे ही किसी को भी अपने घर में नहीं घुसा सकते भाई, जिनसे जान पहचान है उनकी बात अलग है। जो एक उससे पहले लगी हुई थी वो भी छठ पूजा के चक्कर में गाँव में है, वो आ जाई हैं, तो मे भी वो 1-2 दिन में आए, और पता नहीं यार क्या बस। और खाना बनाने के ऊपर मेरे को किसी के भी पर विश्वास नहीं है, और इन लोगों के साथ थोड़ी चिक चिक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा चिक चिक होती है, तो झाड़ू पोछा भी, बर्तन भी,
और खाना भी सब कुछ मम्मी को करना पड़ रहा है। मम्मी पहले घर का करके आती है, फिर यहाँ पे आके कर रही है, देन फिर अब वहाँ गई है, वहाँ पे जाके करेंगी। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा, पूरे दिन मम्मी थक जाती है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे ना 1% का मतलब ये दिखता नहीं है कि हाँ वो थक गई हैं। अभी कल अगेन आएंगी, आज मेरे को हेयर वॉश करना था लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मी को, क्योंकि वो इतनी बिजी थी काम के चक्कर में। जल्दी 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 रात का भी खाना मेरा बना के चली गई, आलू गाजरी की सब्जी बना दी, रोटी सेक के चली गई है, लड्डू माधव का भोग भी निकाल दिया उन्होंने, भोग उनको मैं खिला दूंगी और उल्टे हाथ से ही फिर उसको खुद मैं खा लूंगी, और सिंगाड़े का भोग भी लगा दिया, शकरकंदी का भोग भी लगा दिया इनको। तो काम मेरे को कुछ नहीं है, बर्तन सारा साफ करके गई हैं, किचन सारी साफ करके गई हैं, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, सारा काम निपटा के गई है, सारा काम देख लो। कल भी ऐसे एकदम चकाचक किचन करके गई थी मम्मी, वेट लेट मी शो यू, लाइट चला लेती हूँ, ये देखो कुछ नहीं छोड़ा कुछ भी, पूरी ये सब कुछ साफ कर गई है, सब कुछ साफ कर गई है, इनमें मैंने सब्जियां बना के रख के चली गई, रोटी सेक के रख के चली गई, पूरा सब कुछ साफ करके चली गई है। कुछ नहीं करना मेरे को, कुछ नहीं, बस मेरे को अब रोटी डालनी है अपनी प्लेट में और खानी है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना। कंघा भी करके चली गई मेरे को, मतलब बाल बाल सेट करी गई है, मेरे कपड़े मैंने बदले नहीं है, नहाने का प्लान था लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है नहाने की, 2-4 दिन नहीं नहाएगी तो कुछ घट नहीं जाएगा तेरा। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं भी अभी भजन वगैरह सुन रही थी लड्डू माधव के साथ बैठ के। लगा ली, आप सब भी आरती ले लो, और तुलसी जी के यहाँ भी दिया जला रही, ये रहा दिया और ये रही तुलसी जी हमारी। तो पूजा भी हो गई मेरी और आरती वारती मैंने सब कर ली, और हमारे पड़ोस में तुलसी विवाह हो रहा है, तो अभी फिर बहुत सारी आवाज़ें आने वाली हैं, बस तैयारी उन लोगों की हो चुकी है। मैं अभी बालकनी में से देख रही थी, मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि अंधेरा है बाहर, तो आप लोग कुछ क्लियर देख नहीं पाओगे और कुछ दिखेगा मैंने सिर्फ भीड़ भीड़ दिखाई देगी। इनविटेशन था मेरा भी, जाना था मैंने, लेकिन मैं जा नहीं सकती, इस हालत में जा सकती क्योंकि मम्मी भी नहीं जो मेरे कपड़े चेंज कर देती, और मैं खुद नहीं कर पाती कपड़े चेंज एक हाथ से। तो मैंने सोचा मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ, तो अब हम लोग मिलेंगे इससे अगले ब्लॉग में, मैं भी शायद कहीं घूमने जाएँ, पता नहीं ऐसे बोल रही हूँ मैं। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँच जाए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, इसी याद से बाय 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 बाय।